साहिबगंज में किसानों ने किया चक्का जाम। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार बदल गई हो और कांग्रेस की सरकार बनने वाली हो, मगर किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रायसेन जिले के बेगमगंज में किसानों ने खाद और यूरिया नहीं मिलने के कारण सागर भोपाल मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। रायसेन जिले के बेगमगंज में आज किसानों ने चक्का जाम किया और सागर भोपाल मार्ग को बंद कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले इस चक्का जाम में किसानों ने मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को बताया कि पिछले 3 दिन से हम यूरिया और खाद के लिए लाइन में लगे हैं, मगर ना तो यूरिया मिली है और ना ही खाद, जबकि बहुत तेज ठंड पड़ रही है। उसके बाद भी हम रात भर से लाइन में लगे रहते हैं, मगर हमें खाद और यूरिया नहीं मिल पाती। साथ ही बताया कि कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं बैठते, जिसके कारण हमें चक्का जाम करना पड़ा। वहीं किसानों ने बताया कि वह पिछले 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, मगर हमें खाद और यूरिया नहीं दिलवाया जा रहा, जिससे हमारी फसल समय निकलता जा रहा है और हमें पिछले 3 दिन से लाइन में खड़े होने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमने चक्का जाम किया है। वहीं तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि किसानों से बात हुई है और किसानों की समस्याओं को जल्द ही निपटाया जाएगा। साथ ही बताया कि किसानों ने हमारी बात को मान लिया है और किसानों ने चक्का जाम को खत्म किया है, जल्द ही किसानों को यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोग 3 दिन से आ रहे हैं, 3 दिन से आए, कल खाद की गाड़ी आई दो, वो दो गाड़ी खत्म हो गई। हम शाम को 4 बजे तक खड़े रहे, नंबर आया तो गाड़ी खत्म हो गई। गाड़ी खत्म होने के बाद बोला कल बैठेगा, हम लोग कल शाम से आए और जिनकी व्यवस्था यहाँ रुकने की थी वो यहाँ रुक गए। बाकी लोग कल आज सुबह 6 बजे आए, 6 बजे आने के बाद यहाँ गाड़ी को देखा तो गाड़ी खड़ी थी। हम लोग यहाँ खड़े खड़े सब लोग नंबर से लगे रहे और अभी अभी आध घंटा पहले गाड़ी यहाँ से चली गई। अच्छा, तहसीलदार साहब की क्या बात? तहसीलदार साहब के पास हम लोग गए थे अभी मड़किया टप्पा वाले, उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी और यहाँ पर आ गए और वहाँ ऑफिस में गए तो वहाँ भी लोगों ने नहीं सुना। वहाँ से बोले गए कांग्रेसी सरकार आ रही है। लगातार जो है सागर भोपाल मुख्य मार्ग पर जो किसान चक्का जाम लगा रहा है यूरिया खाद नहीं मिलने को। सर मेरी बात सुनिए, आपको उम्मीद है कि समय पे आप लोगों को खाद उपलब्ध होगा? कभी नहीं होगा, नहीं उम्मीद नहीं है। अच्छा, क्या बात होगा ये सर? यही बोल रहे हैं मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बस खाद नहीं मिल रहा। किसान है जो चक्का जाम लगाए हुए सागर भोपाल मुख्य मार्ग पर? 500 लोग हैं कम से कम यहाँ पर। कब से नहीं मिल रहा खाद आपको? एक हफ्ते से, कल ही मिला है बस। उसके बाद? उसके बाद खत्म। कुछ महिलाएं भी आपके साथ चक्का जाम? महिलाएं 150 महिलाएं थी सर, वहाँ स्कूली बच्ची थी। क्या कोई धक्का मुक्की भी हुई है? धक्का मुक्की जो एक बुजुर्ग थे सर, वो सुबह 6 बजे से खड़े हुए थे यहाँ से, उनके हाथ हाथ पार ठटर गए सर, यहाँ खड़े खड़े उनको उठा के तहसील में ले गए। तहसील में देखा कौन थे उनके संग, क्या नाम सर? उनका नाम नहीं पूछा है, दूसरे गांव के थे, हाथ की लाइन में लगे हुए। हाँ जी, अभी यहाँ विक्रय केंद्र पर खाद की कमी है और किसान लोग यहाँ विक्रय केंद्र से नगद खरीदना चाहते हैं। और जो खाद आया है वो सोसाइटी के माध्यम से पहले किसानों को परमिट और रहते हैं उनको, उनके लिए मार्केटिंग द्वारा वहाँ भेज दिया गया है उनकी सोसाइटी के। यहाँ भी शीघ्र व्यवस्था कर दी जाएगी, जिला प्रशासन से भी बात हुई है, 3-4 दिन में खाद आ जाएगा, हर सोसाइटी पे हर किसान को खाद मिलेगा। चक्का जाम लगा उनसे आग्रह किया गया प्रशासन की ओर से कि NHAI पे किसी प्रकार का इस प्रकार चक्का जाम करना कानूनी अवैध है और वो लोग मान गए हमारी बात और हटाए हैं।